बैक अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग, गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी यार गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून गाइस, क्योंकि अभी बज रहे हैं गाइस दोपहर के 3। और मैं घूमते फिर के यार पहले थोड़ा सा शॉप गया था, शॉप में काफ़ी ज़्यादा वर्क था इसलिए गाइस वहाँ का शूट नहीं कर पाया मैं। फिर घूमते घूमते गाइस मैं आ गया हूँ घर पर, और मैंने बोला कि चलो यार भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा ये हो गया था ना काम में, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त था गाइस आज, तो उसको ब्लॉकिंग भी नहीं कर पाया। क्योंकि बताया गया जो फाइल था ना मेरे को मोबाइल का डाटा ना पूरा पीसी में सेव करना था, अंकल ने बोले थे, इस वजह से मैं वहाँ पर गया था, लेकिन वो सेव हो ही नहीं पाया। समझ ही नहीं यार क्या भलता सीन है, पता नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को आता ही नहीं है वो सेव वगैरह करना था। तो फिलहाल मैं गाइस मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, जब घर पे आया था ना मैं, तो घर पे आने के बाद गाइस मैं खाना वगैरह खा लिया, फिर यार थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा आधा घंटा सो गया। आधा सोने के बाद मेरे बहुत सारे फ़ोन आ गए, वाइब्रेट होता था, मैं किसी का उठा ही नहीं था। मेरे को पता है कि जब भी मैं सोने लगता हूँ ना यार, तब मैं किसी ना किसी के फ़ोन आ ही जाते। सो गाइस फिर जैसे ही मैं उठा तो वैसे ही मेरे को फ़ोन उठाया मैंने, तो काफ़ी जल्दी मिस कॉल दिखे, तो मैंने सोचा कि चलो यार फ़ोन कर लेते, अभी 3 तो बज गए हैं, तो मेरे को लगा इतने जनों के फ़ोन आए तो क्यों आया भाई। तो जैसे मैंने फ़ोन किया तो गाइस पता चला कि तुम्हारे भाई का लग गया रिजल्ट, और रिजल्ट लग गया तो इसलिए गाइस मैं आऊँ यहाँ पे। तो अभी घूमते घूमते गाइस आया हूँ मैं यहाँ पे अभी, तो मैंने बोला चलो मम्मी को बताया, उठ से पर्चा रेडी हो गया, और मैंने बोला चलो यार पहले रिजल्ट बनाते आपके लिए ब्लॉग शूट करते गाइस। तो अपने पास दूसरा मोबाइल तो है ही नहीं गाइस जिसमें आपको ये हो सकता, तो इसमें ही देख के मैं अभी रिजल्ट देखता हूँ कि अपने को पास हो गया कि फेल हो गया। थोड़ा एक्साइटमेंट में है कि बहुत ज़्यादा कि भाई यार पास होगा तुम्हारा भाई की फेल हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ यार आज मैं कि रिजल्ट लग गया है फाइनली, लेकिन फेल लगा है कि पास है कि फाइनल तुम्हारा भाई इंजीनियर बन गया है, लेकिन कोई काम का नहीं है, इंजीनियर बस नाम का ही है बस और कुछ नहीं गाइस, क्योंकि जॉब वगैरह तो होती नहीं है। सो फिलहाल मैं अभी देखते गाइस यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और आपको मिलाता हूँ। हमारे साथ में कोने गुप्ता अंकल जी भी है हमारे साथ यहाँ पे, मेरे को वह घूमते घूमते आया ना नियर बाय स्कूल के पास आया, तो गुप्ता जी मिले थे, यहाँ से बात करते, सो चलते हैं गुप्ता जी से पहले बात करते फिर अपना रिजल्ट देखते गाइस, चलते आगे। सो गाइस आप देख सकते हो हमारे गुप्ता जी के अंकल जी के पास ही, देख सो अंकल जी क्या बोलते हैं, सब कुछ ठीक, कैसा चल रहा आपका बिजनेस, आज का नहीं है जन्मदिन है क्या है, फिर खाना होना चालू है ना, खाना चालू है क्या, सामने अच्छा सामने भी आज बहुत जन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं ना, आज बनते ही खाना, मेरे घर के बाजू में बुलाए हैं, लेकिन उनके घर में थोड़ा जल्दी नहीं बनता है ना खाना, 11-12 रात के बता ही नहीं सकते उनका वाला क्या बात कर रहे हो, हाँ अभी अच्छा 7 बजे के स्टार्ट, बहुत लोग ये फंक्शन रखते हैं बड़ा रखते हर साल यहाँ पे, अच्छा शुरू से ही है, और ये बनता है मतलब अभी ये गणेश जी भी बैठते शायद, गणेश जी 10 तारीख ये 10 तारीख को गणेश जी बैठेंगे है ना, अभी पोला है ना अगले सोमवार का, अच्छा अगले सोमवार का पोला है, सोमवार का बड़ा पोला, हाँ मंगलवार को छोटा आएगा, हाँ 8 दिन बाद, हाँ उसके बाद में फिर गणेश जी, गणेश जी आएंगे, तो ये अपना इधर पोला भरने वाला है क्या अभी छोटे इसमें, बता नहीं क्योंकि अभी तीसरी लहर भी चल रही है, क्योंकि मैं न्यूज में काफी ज्यादा देखा हूँ चेन्नई में, केरला में है, केरला साइड में तीसरी लहर का है, निकल रहे बढ़ भी रहे, लेकिन अपने इधर में क्या है, महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं है, अपने नागपुर में भी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि भरेगा, लेकिन आगे चल के अभी अपने बम्बई के वो कौन से स्कूल में है 22 बच्चे मिले, 22 बच्चे मिले, बाप रे बहुत ज्यादा ही मिले, पेपर में भी आज के भी पेपर में, हाँ क्या बम्बई में बराबर है, मतलब पोले के टाइम नहीं प्लोले के टाइम पे अपने को घूमना पड़ेगा। अभी कैसा है, अभी मेरा रिजल्ट लग गया है आज, अभी देखता हूँ रिजल्ट कैसा है क्या है, पास होता है कि नहीं होता हूँ, और फिर पास अगर हो गया तो फिर कुछ, अगर फेल हो गया तो भाई उदास यहाँ से निकलो फिर क्या करेंगे। सो गाइज अभी देख सकते हो आप हम लोग हैं यहाँ पे, ये हमारी ग्रीन जिम जहाँ पे हम लोग जिमिंग करते हैं, अंकल भी यहाँ पे है, अभी तो जिम ही कर रहे थे अंकल ने, अंकल शर्मा के जैसे वीडियो लिया अंकल का, तो रहे तो ग्रीन जिम अंकल करते रहते हैं, गुप्ता जी है, गुप्ता जी एक बार करके दिखाइए आप जिमिंग अपनी वाली कैसे करते हो आप, देख सकते हो गाइज एक्सरसाइज है ना यार, मैं तो करता ही नहीं हूँ ये जिम पे मारे, लेकिन काफी लोग आते हैं अभी यहाँ पे, अभी फिट रखना है, फिट रखना है बराबर, यस जा रहा है यार मम्मी सब। तो गाइस आप देख सकते हो अभी चलते हैं गाइस रिजल्ट की तरफ में, यहाँ पे गुप्ता जी अंकल से काफ़ी सारी बातें होगी हमारी यहाँ वहाँ की, अभी चलते गाइस यहाँ से निकलते हैं हम लोग और अपना ब्लॉगिंग का शूट करते गाइस। आजकल लोग आपको पसंद आते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलिए गाइस, कहीं जाऊँगा नहीं लेकिन पहले रिजल्ट देखूंगा, रिजल्ट के बाद पता चलते गाइस ब्लॉग हम लोग कहाँ शूट करते हैं। सो गाइस फिलहाल में हम लोग चलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली यार मैंने रिजल्ट देख लिया और तुम्हारा भाई यार 69% से 69.63% से गाइस पास हो गया है और फर्स्ट क्लास में पास हो गया यार, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यार 4 साल बाद फेल होने के बाद मैं 1 साल में पास हो गया होकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरा दोस्त ये देख सकते हो हर्ष, हर्ष भी खुश है, क्या बोलता हर्ष, हाउ आर यू, बहुत खुश है कि नहीं है भाई, हमारे भाई पास भी बहुत खुश है ना यार भाई,
तो अभी देखते हैं यार फैमिली वालों को गाइस हमने दी दिखाया रिजल्ट, फैमिली वालों किसी को पता नहीं कि रिजल्ट अपना वाला और हम पास हो गए। वैसे कोरोना में तो हर कोई पास हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई पास हो गया बहुत बड़ी बात होगी वो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी मुझे उतने मार्क्स नहीं होते थे, वाइवा में उतने मतलब नहीं थे। कभी कभी क्या होता था कोई वाइवा अच्छा जाता था, कभी कभी बेकार जाता था, तो क्योंकि क्या होता था दिमाग में ध्यान नहीं रहता था, और क्वेश्चन भी यार जो पढ़ के जाओ ना रट्टा मार के, बस तुम्हारे भाई रट्टा ही मारता था, क्योंकि बचपन से वही आदत थी, क्योंकि दिमाग तो कभी काम नहीं करता था। क्योंकि यार मेरे क्लास में सबसे ज्यादा यार मैं बचपन से देखता रहा हूँ ना, गर्ल्स ही सबसे ज्यादा होशियार रहती थी, पता नहीं क्यों यार लड़कियाँ लोग हो सकता है इसलिए कि लड़के लोग यार बॉयज़ की लड़कियों के पीछे ही भागते रहते हैं, इस वजह से ही हो सकता है। लेकिन बचपन में नहीं जाते थे ना, बचपन में किसको पैर वैर समझता था, लेकिन हम लोग को अभी अभी क्या बोलो यार, छोड़ो बड़े लोग भी देखते हैं, आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे अगर मैंने कोई गलत बातें बोल दी होंगी आपको यार, तो बच्चे लोग तो ज़्यादा ही मेरे वीडियो में ज़्यादा सीरियस ना लीजिए। सो आप भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं पास होने के चांसेस थोड़े रहते भाई, 5 साल लग गए तुम्हारे भाई को पास होने के लिए, 5 साल। क्योंकि क्या होता था बीच में ना एक फेल हो गया था, बीच में कुछ पेपर्स रह गए थे तबियत वगैरह के कारण, तो पेपर्स वगैरह क्लियर नहीं हो पाते थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो गया था, तो 1 साल तो वेस्ट चला गया ना यार, क्या करूँ। अभी मेरे साथ वाले कुछ लोग है कि जो मेरे साथ में ही चलते गए 5 साल तक के, कुछ लोग अभी तक के क्लियर नहीं हुए थे, और मैं हुआ था कुछ लोग हुए थे, मतलब सर वगैरह भी बोलते थे कि यार ऐसे एकदम से कोई क्लियर नहीं होता है, कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, हम लोग तो ऐसे टॉपर है नहीं, मैं तो बैक बेंचर हो गया। आपको बता दूं कि बचपन से इंजीनियरिंग के आखिरी तक के मैं लास्ट बेंच पे ही बैठा था, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बन गया यार कि लास्ट बेंच पे ही बैठा था, बस टॉकीज में आगे से मूवी देखने वगैरह गया नहीं था कि जहां पे मैं लास्ट बेंच पे बैठूं। सो गाइस आजकल वो अभी पे एंड करने वाला हूं, आज मैं देखता हूं घर में जाकर फैमिली का एक्सप्रेशन, क्योंकि जब मैं एक्सप्रेशन लूंगा गाइस तब आपका व्लॉग देख अपलोड हो चुका होगा और आप लोग व्लॉग देख चुके होंगे। सो गाइस आज का व्लॉग आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बताऊंगा आपको कल गाइस कैसा माहौल हो रहा है, कल आपको बताऊंगा गाइस कि हमने क्या किया। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।